रिसेंटली मर्डर 2 की सक्सेस पार्टी रखी गई, जिसमें शामिल हुए इमरान हाशमी, जैकलिन फर्नांडिस, कुणाल खेमू, रणदीप हुड्डा, प्राची देसाई, भट्ट कैंप से जुड़े कई लोग। मगर इस पार्टी में बिपाशा बासु को इनवाइट नहीं किया गया, क्योंकि बिप्स ने मर्डर 2 के आइटम सॉन्ग को परफॉर्म करते वक्त कई स्टारी टैंट्रम्स थ्रो किए थे, जिस बात से महेश भट्ट थे काफी नाराज। दीपिका पादुकोण ने हाल ही में एक नया घर खरीदा और कहा जा रहा था कि ये घर उन्हें उनके बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ माल्या ने गिफ्ट किया है, लेकिन दीपिका की माने तो इस खबर में कोई सच्चाई नहीं। नो वन किल जेसिका के डायरेक्टर राजकुमार गुप्ता उनकी अगली फिल्म के लिए बॉलीवुड के छोटे नवाब यानी सैफ अली खान को साइन करना चाहते थे, और उन्होंने रिसेंटली सैफ को स्क्रिप्ट नरेट की और सैफ को कहानी काफी पसंद भी आई। अमिताभ बच्चन ने रिसेंटली बाला साहेब और उनके बेटे उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर डॉक्टर श्री बालाजी तांबे की बुक आयुर्वेदिक गर्भ संस्कार को लॉन्च किया। यहां बिग बी ने मीडिया के साथ कई देर तक इंटरैक्ट किया। जॉन अब्राहम और दीपिका पादुकोण की बॉन्डिंग उनकी फिल्म देसी बॉयज के सेट्स पर खूब हो रही है। इन दोनों को घंटों बातें करते हुए देखा गया है। जॉन ने तो अपने ब्रेकअप की वजह दीपिका से शेयर भी की, और दीपिका उन्हें इस सिचुएशन से उभरने के लिए टिप्स दे रही हैं।